ये आपको दिखाता हूं कैसे करके आपको BidIQ एप्लीकेशन को यूज करना है। और यहां पर देखिए एक चीज आपको बताता हूं, BidIQ एप्लीकेशन यूज करना YouTube खुद कहता है, YouTube खुद कहता है कि आप इस एप्लीकेशन को यूज कर सकते हो, आगे मैं आपको दिखाऊंगा। यहां पर देखो BidIQ एप्लीकेशन आपको कहां पर मिलेगा, आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो, प्ले स्टोर में आपको मिल जाएगा, BidIQ सर्च करेंगे तो आपको दिख जाएगा। अब देखिए यहां पर BidIQ एप्लीकेशन जो होता है आपको इस प्रकार का इंटरफेस दिखता है इसका लोगो। तो यहां पर मैं पहले इसको कर लेता हूं ओपन। अब जैसे ओपन करूंगा देखो यहां पर यूट्यूब से सर्टिफाइड है, यानी कि यूट्यूब खुद कहता है कि आप इसे यूज कर सकते हो अपने वीडियोज को रैंक कराने के लिए, तो आप कर सकते हो, इनसे कोई दिक्कत नहीं है। आप अपने चैनल को यहां पर लॉग इन कर लेना, लॉगिन करने के बाद बिल्कुल YT स्टूडियो ऐप के जैसा यहां पर भी खुलता है। अब यहां पर देखिए मैं अगर आपको दिखाऊं तो यहां पर देखो, यहां पर देखिए आपको कुछ ऑप्शन मिलता है, होम का, डेली आइडिया, रिसर्च, ऑप्टिमाइज, मोर का। तो पहले चलिए मैं आपको एक एक करके बताता हूं कि मैं कैसे कैसे यूज करता हूं और मैं इसको किस तरह से यूज करता हूं। देखिए सब कोई अलग अलग तरीके से यूज करता है, लेकिन मेरा यूज करने का तरीका क्या है मैं आपको वो चीज बताता हूं। तो यहां पर देखिए पहले मैं क्लिक करता हूं ऑप्टिमाइज पर, क्लिक जो आपको नीचे दिख रहा है यहां पर ऑप्टिमाइज, इस पर मैं क्लिक करता हूं। देखिए यहां पर सबसे पहला काम जो मैं लेता हूं BidIQ से वो यहीं से लेता हूं। यहां पर देखिए ये मैंने वीडियो को अपलोड किया हूं, इस वीडियो को मैंने अपलोड किया हूं कब, आज सुबह अपलोड किया हूं, लेकिन अभी तक पब्लिक नहीं किया हूं। ये वीडियो मेरा अनलिस्टेड में, अगर आपको दिखाऊं YT स्टूडियो ऐप में भी, चलिए मैं आपको दिखा देता हूं। तो यहां पर देखो मैंने YT स्टूडियो ऐप को ओपन किया, ये वीडियो देखो अभी मेरा अनलिस्टेड में आपको दिख रहा है, यानी कि शो हो रहा अनलिस्टेड में। तो ये वीडियो जब भी आप वीडियो अपलोड करते हो अनलिस्टेड में, तो उसमें जो आप टैग्स का जो काम करते हो, जो प्रोसेस लगाते हो, टैग लगाते हो, उस प्रोसेस को आपको यहां से नहीं लगाना है, आपको YT स्टूडियो ऐप से बिल्कुल नहीं लगाना है। यहां पर देखो आपको देखने को मिलता है, सबसे पहले यहां पर जो एक चीज आपको बताता हूं कि जब भी अपना वीडियो का टाइटल दे रहे हो, तो अपने टाइटल को एक बार आपको अपने टेक्स्ट में यहां पर आपको लगा देना है। यहां पर देखिए पहला मैंने डाल दिया हूं, दूसरा डाल दिया हूं, तीसरा डाल दिया हूं, और ये तीनों मैंने कहां से डाला हूं, यहां पर देखो मेरे टाइटल में तीन कीवर्ड है, यहां पर देखो पहला कीवर्ड, दूसरा कीवर्ड, तीसरा कीवर्ड, इन तीनों कीवर्ड को मैंने टैग में लगा दिया हूं। तो आपको भी अपने वीडियोस को अनलिस्टेड में इन तीनों कीवर्ड या फिर दो कीवर्ड या फिर एक कीवर्ड जितना भी अपने टाइटल में देते हो उतना आपको लगा देना है, और लगाकर आपको यहां पर सेव कर देना है। अब आपको BidIQ एप्लीकेशन को ओपन करना है। यहां पर देखो ओपन करेंगे तो यहां पर देखिए ऑप्टिमाइज पर जब आपका वीडियो यहां पर आ जाएगा शो करेगा अनलिस्टेड में ही। अब यहां पर देखो अपने वीडियोस को ओपन कर लेना है। अब यहां पर देखो अभी मेरे वीडियोस पर SEO स्कोर आपको क्या दिख रहा है, 26%, यानी कि मैंने सारा टैग अभी तक नहीं डाला हूं। लेकिन अगर आप ऐसे अगर टैग डाल रहे हो अपने मन से यानी कि अपने हिसाब से, तो हो सकता है कि वो काम ना करे, लेकिन BidIQ एप्लीकेशन आपको SEO के साथ आपको टैग लगा करके देता है। वो कैसे, यहां पर देखो मैं स्क्रॉल करता हूं, यहां पर देखो आपने तीन टैग लगाया ऊपर में, जैसे कि मैंने वहां पर लगाया YT स्टूडियो ऐप में, वो यहां पर दिख रहा है। अब यहां पर देखो BidIQ एप्लीकेशन आपको यहां पर सजेस्ट करेगा, इस प्रकार से तीन देख सकते हो सजेस्ट कर रहा है, जो कि इन तीनों टैग को आप लगा सकते हो। तो यहां पर क्या करना, सिंपली प्लस पर क्लिक करना, प्लस पर क्लिक करना, प्लस पर क्लिक करना है। तो आपको इन तीनों को ऐड करके और यहां पर एक बार आपको क्या करना, सेव पर कर देना है क्लिक। तो मैं सेव पर क्लिक करता हूं। अब देखिए जैसे सेव पर क्लिक करूंगा तो मेरा SEO स्कोर यहां पर अभी बढ़ेगा, अभी आपको दिखाता हूं, यहां पर देखो बढ़ गया। अब उसके बाद देखिए फिर से मुझे तीन कीवर्ड यहां पर नीचे सजेस्ट कर रहा है, 1, 2, 3, तो तीनों को आपको फिर से सिलेक्ट करना है इस प्रकार से, और सिलेक्ट करने के बाद फिर से आपको सेव करना है, तो फिर से आपका SEO स्कोर यहां पर बढ़ेगा। अभी देखना मैं आपको दिखाता हूं, यहां पर देखो अभी तुरंत बढ़ेगा मेरा यहां पर। तो यहां पर आपको देखो 44% हो चुका है, उसके बाद आपको फिर तीनों आपको इस प्रकार से सिलेक्ट करना है, फिर तीन आपको देगा यहां पर देखिए, और तीनों को मैं फिर से सिलेक्ट करता हूं। तो जैसे सिलेक्ट करेंगे देखिए फिर से आपका SEO स्कोर बढ़ेगा। तो जब आपका SEO स्कोर यहां पर 46% या फिर 44% या फिर 48% हो जाए, तो उस टाइम आपको छोड़ देना है, यानी कि समझ आओ कि आपका SEO कंप्लीट हो चुका है। यहां पर देखिए 46% मेरा हो चुका है, यानी कि आपके वीडियोस में टैग लग चुका है। और अगर नीचे सजेस्ट कर रहा है, अगर लग रहा है, तो इन सबको भी ऐड कर सकते हो, यहां पर इस प्रकार से ऐड कर सकते हो, तो आपका ऐड हो जाएगा। तो आपका SEO स्कोर जो है यहां पर 46 या फिर 48% आपका कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि समझो कि आपके वीडियोस का टैग्स का प्रोसेस, जो आपका वीडियो YouTube सर्च में जाता है, वो अलग काम यहां पर हो गया। अब आपका वीडियो YouTube सर्च में जाने के लिए रेडी है। अब यहां पर देखिए अभी मेरा 46% हो चुका है। अब मैं आपको यहां पे दिखाता हूं मैं दूसरा काम क्या चीज देता हूं BidIQ एप्लीकेशन से, वो चीज देखो। आप लोग दोस्तों YouTube पर क्या करते हो कि डेली वीडियो बनाते हो, लेकिन डेली आपको कंटेंट नहीं मिलता है। कल किस टॉपिक पर वीडियो बनाएंगे, परसों किस टॉपिक पर वीडियो बनाएंगे, आज किस पर बनाएंगे, आप लोग सोचते रह जाते हो। लेकिन देखो यहां पे BidIQ एप्लीकेशन आपके चैनल के हिसाब से आपको टॉपिक देता है। यहां पर क्लिक करेंगे डेली आइडियाज पर, डेली आइडियाज पर क्लिक करेंगे तो यहां पर देखो इस प्रकार से यहां पर आपको टॉपिक देता है। डेली आपको तीन टॉपिक देगा, यहां पर एक टॉपिक, दो टॉपिक, तीन टॉपिक आपको यहां पर डेली मिलेगा जिस पर आप वीडियो बना सकते हो। बाकी देखिए यहां पर आपको मिलता है, और यहां पर देखिए रिसर्च टूल जो कि सबसे वैल्यूबल चीज है। यहां पर देखिए आप लोग क्या करते हो, कुछ भी टॉपिक पर वीडियो बना देते हो,
लेकिन बिड आई क्यू एप्लीकेशन आपको पहले बता देगा कि इस टॉपिक पर अगर आप वीडियो बनाएंगे तो आपका वीडियो चलेगा या फिर नहीं चलेगा। यहां पर देखो आप रिसर्च कर सकते हो अपने चीज को कैसे। यहां पर देखिए मैं एक कीवर्ड पर मान लीजिए वीडियो बनाने जा रहा हूं, जो कीवर्ड का नाम है, जैसे कि कीवर्ड का नाम ले लेते हैं बिड आई क्यू एप्लीकेशन कैसे यूज करें। यहां पर देखो मैं लिखता हूं बिड आई क्यू ऐप कैसे यूज करें। तो यहां पर देखो मैंने सर्च किया बिड आई क्यू ऐप कैसे यूज करें, तो यहां पर देखो यहां पर अभी सबसे टॉप में किसका वीडियो रैंक कर रहा है इस वाले कीवर्ड पर, जुन्नू की टेज का। उसके बाद देखिए यहां पर इसका भी रैंक कर रहा है, इसका भी रैंक कर रहा है, लेकिन मुझे यहां पर अपने वीडियोस को रैंक कराना है, तो रैंक करेगा कि नहीं करेगा वो चीज मुझे पता कहां से चलेगा, कहां से पता चलेगा। यहां पर देखो मेरा रैंक कर भी चुका है, आप अभी वीडियो को देखें वहीं से सर्च करके देखे होंगे, सबसे टॉप में आपको दिखा कि नहीं दिखा, यानी कि समझ जाओ कि सच में काम करता है। अभी जो वीडियो मेरा आप देख रहे हो ये वीडियो रैंक ही कराया हूं मैं, सबसे टॉप में रैंक कराया हूं, और आप भी सर्च किए होंगे तो आपको दिखा होगा सबसे टॉप में। अब यहां पर देखो यहां पर क्या बता रहा है मुझे, इस वीडियो में कंपटीशन लो है, और यहां पर देखो सर्च वॉल्यूम मीडियम है, यानी कि ये आपको बोल रहा है कि इसमें कंपटीशन लो है, यानी कि कम कंपटीशन है, और सर्च वॉल्यूम ज्यादा, यानी कि लोग सर्च ज्यादा कर रहा है और कंपटीशन कम। तो आपको क्या करना चाहिए, इस टॉपिक पर वीडियो बनाना चाहिए, आपके चैनल में चलेगा। अगर यहां पर कंपटीशन अगर हाई होता है, अगर हाई कंपटीशन होता है, तो हो सकता है कि आप अपने वीडियोस को रैंक नहीं करा पाते, लेकिन अगर कंपटीशन कम है और सर्च ज्यादा लोग कर रहे हैं तो समझो कि रैंक कर जाएगा आपको वीडियो। तो इसलिए मैंने इस टॉपिक को कवर किया। अब देखो इस टॉपिक पर मैंने अपना वीडियोस को रैंक भी करा दिया हूं, क्योंकि आप लोग सर्च करके देखे होंगे तो आपको दिखा होगा सबसे टॉप में। अब यहां पर इस प्रकार से मैंने एक काम दो काम इस प्रकार से यहां पर मैं बिड आई क्यू एप्लीकेशन को यूज करने के लिए मैं लेता हूं। तो बिड आई क्यू एप्लीकेशन से मैं दो ही काम करता हूं, पहला कीवर्ड रिसर्च करता हूं और दूसरा काम यह करता हूं कि अपने वीडियोस में टैग्स लगाता हूं। बस टैग्स का प्रोसेस को यूज करता हूं और कीवर्ड रिसर्च करता हूं, और डेली आइडियाज भी आपको देता है, आइडियाज मैं खुद से निकाल लेता हूं। लेकिन अगर आपको डेली टॉपिक नहीं मिल रहा है तो आप बिड आई क्यू एप्लीकेशन का यूज कर सकते हो, इनसे आपको डेली तीन टॉपिक भी मिलेगा। तो दोस्तों ये था कंप्लीट ट्यूटोरियल बिड आई क्यू एप्लीकेशन यूज करने का, मैं जिस प्रकार से यूज करता हूं आपको बताया। अगर आपको वीडियो पसंद आया है वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए सब्सक्राइब करना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे।